हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो इससे पहले हम एक वीडियो बना अपलोड किया था जो कि एक पीसीसी अर्थात पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से आप ये ऑनलाइन में ही ले सकते हो। पहले क्या होता है, फिजिकल आप किसी भी थाना में या पुलिस स्टेशन में जाके तब जाके आप पीसीसी एक अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है इधर उधर जाके, और भी जो भी ऑफिसर रहते थे वहाँ पर वो भी बोलते थे कि आज आओ कल आओ परसों आओ, ऐसे करके करके बहुत परेशानी कर रहे थे आप लोगों को। और जब आप लोगों को ज्वाइनिंग डेट होता है तब आपको निकल जाते थे, ठीक है। तो इस बार जो वेस्ट बंगाल का सरकार है वो अभी क्या किया कि ऑनलाइन में ही पीसीसी अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया। उसी वेबसाइट में मैंने पहले आप लोगों को किस तरह से एक पीसीसी अप्लाई कर सकते हो वही मैं अगले वीडियो में बताया था। और आज जो वीडियो है इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि उस अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है इस एक पीसीसी अप्रूव होने में, ठीक। सबसे पहले आप जिस दिन अप्लाई करोगे ए पीसीसी, ठीक है, पीसीसी और वो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है और या फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, सब कुछ एक ही सर्टिफिकेट आप लोग ये पहले सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। जिस दिन आप लोग अप्लाई करोगे यहाँ से, ठीक है, उस दिन आप लोगों को 300 रुपया यहाँ पर ऑनलाइन फीस लगेगा जो कि आप लोगों को एटीएम कार्ड, फोन पे, यूपीआई कुछ भी करके उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है ये कम से कम 7 दिन, 7 8 दिन के अंदर ही ये आप लोगों को एक आपके घर में एक ऑफिसर या फिर थाने का ही कोई कर्मचारी, जैसे कि हम लोगों को वेस्ट बंगाल में होता है सेबिक सबसे छोटा पोस्ट, वही हम लोगों को घर में आते हैं। आने के बाद हम लोगों को जिज्ञासा करता है कि आपके नाम पे कोई केस है या नहीं, वो तो पहले सर्च करते ही है, उसके बाद भी इन लोग आते हैं। उसके बाद दूसरा कोई आपके पीसीसी है या नहीं, जैसे कि मेरे केस में था, मुझे आके पहले फ़ोन किया था तो मैंने उन लोगों को बोला कि मेरा एक ऑलरेडी पीसीसी है, उसका डेट एक्सपायर हो गया। किसी भी कंपनी का आप जाओगे तो 6 मंथ का वो पीसीसी आपको देने बोलेगा। तो अगर वो 6 मंथ के बाद आप लोगों को एक्सपायर हो जाता है तो वो भी पीसीसी आप लोगों को वो लेंगे जो आप लोगों को घर में आएंगे थाने का कोई कर्मचारी, ठीक है। उसके बाद वो उसी दिन आप लोग मतलब एक्सेप्ट कर लेगा या फिर दूसरा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी प्रोसेस कर लेगा। इसके उसके एक दिन बाद आप लोग क्या करोगे, जिस पोर्टल में आप लोग देख रहे हो कि अप्लाई किया था उसी पोर्टल में उस पुलिस प्रवीण सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। और जो भी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, जैसे कि हाउ पुलिस प्रवीण किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो जाके वो वीडियो जरूर देख सके, यहाँ पर आई बटन में वो देख रहे होगा। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है ये निकल के आप किसी भी थाने में या कहीं भी आप लोगों को फिजिकली सिग्नेचर या फिर किसी भी सील का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकालोगे डायरेक्ट जिस जगह में आप लोग देना चाहते हो ये सर्टिफिकेट वहाँ जाके आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अपना पोर्टल में आ जाना है, लॉगिन करके लॉगिन करना है आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से। ओटीपी से होने बाद आप लोग देख ही सकते हो वो ऑल एप्लीकेशन यहाँ पर है, अप्रूव पेंडिंग 0 है, पेमेंट पेंडिंग 0 है और सर्टिफिकेट इशू 1, एक सर्टिफिकेट इशू हो गया, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर आप दूसरे को मतलब दूसरा एप्लीकेशन कर सकते हो, यहाँ पर अप्रूव जो है वो ये भी देख सकते हो, यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वहाँ से सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो सर्टिफिकेट किस तरह से हो सकते हैं आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो मैंने अप्रूव किया था वही सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो सर्टिफिकेट आप किस तरह से देख सकते हो, यहाँ पर अगर जाओगे तो यहाँ पर देखिए ये व्यू नाम से एक ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप व्यू करेंगे तो आप लोग यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देख सकते हो। सिर्फ सर्टिफिकेट आप लोगों को इस तरह से देख सकते हैं, योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि आप लोगों को जो सर्टिफिकेट है अभी नया तरीका सर्टिफिकेट आ गया वो है इस तरह से, बहुत ही अच्छे तरह से सर्टिफिकेट मिला है आप लोगों को। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल दिस डॉक्यूमेंट्स हैविंग UDIN है, इस तरह से है और बहुत ही अच्छी तरह से एक सर्टिफिकेट मिल गया आपको। और वो जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग कुछ कर सकते हो, जैसे कि अगले क्या होता है, अगले जब सर्टिफिकेट देता था वो पहले बहुत कमजोर था, इसी पर अब जो सर्टिफिकेट दिया है वो सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छा था, ठीक है। उसके बाद बहुत ही मैं आप अच्छा लोगों को बता सर्टिफिकेट, दूं कि इसी चैनल में आज से हिंदी में वीडियो आएंगे और हिंदी में ही सब कुछ यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए जहांगीर द टेक्निकल, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।